So guys, welcome to a brand new episode of TG Talks. And this episode is very inspirational because this episode is about a 17-year-old boy. 17-year-old boy abhi abhi apne 12th standard mein gaye hain aur 12th standard ke pehle hi inhone ek pehla competition khel liya muscle mania teen aur usme inki second position aayi hai naturally. Ye natural athlete hai finally man. Kyunki koi request aate rehte hain ki sir aap hamesha juiced up athlete se baat karte ho, aap natural athletes nahi aate aapke show mein. So I'm focusing more on natural athletes, but main ye nahi keh raha ki juiced up athletes kharab hote hain, but just that natural ki apni struggle hoti hai. Wo kya struggle hoti hai, how do they compete at aise competition mein jo itna bada competition है, वहाँ पे पोजीशन आती है और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में. 17 साल की उम्र में आई एम श्योर आप भी, कई लोग जो मेरे चैनल देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, 17 साल के हो गए, आपको भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती होगी कि यार इस छोटी सी उम्र में मैं कम्पीट, मतलब कॉम्पिटिशन तो छोड़ो, मैं तैयारी करने की थाट भी इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट इस एज में, तो बिकॉज इट्स अ वेरी टेंडर एज, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं रहता. बट हैविंग सेड दैट, वो आज हमसे खुल के बातें करने वाले हैं अपनी स्ट्रगल के बारे में. थोड़े से नर्वस हैं, बट आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हमारे तुषार भाई. कैसे तुषार? I'm good, sir. तुषार हाथ गीले, नर्वस हो गए हो क्या? Yes, sir. हाँ, नर्वस हूँ थोड़ा. तुषार थोड़े से नर्वस है, तो इनको कंफर्टेबल फील कराते हैं. टॉकिंग टू मी, कैमरा को मत देखो. सो तुषार 17 साल की उम्र, कितने 17? यस सर, 17. 12th स्टैंडर्ड में गए हो अभी? अभी अभी आया थोड़ा. बोर्ड? यस सर, बोर्ड्स. तो तुम्हारा तो अपना ही बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बॉडी बिल्डिंग का बोर्ड एग्जाम. तो पहला कॉम्पिटिशन कब खेला? बैक इन 2018 दिसंबर. अभी 1st दिसंबर? या अच्छा. सो हाउ वाज इट, मज़ा आया नहीं आया? सो मतलब फर्स्ट, से पहले स्टेज में जाने से पहले आई वाज रियली नर्वस, बट देन जब आई वेंट ऑन स्टेज, मैं अपनी पोजिंग वगैरह की, इट वाज लाइक द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था एंड आई वांटेड टू डू इट अगेन. अभी तो तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आई यार. हाँ, शेव करा अभी तो पूरी दाढ़ी भी नहीं आई हमारे तुषार भाई की. और ही इज़ कम्पीटिंग, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड. मैं बता नहीं सकता कि आई एम फीलिंग सो गुड दैट हमारा जो इंडिया का फ्यूचर है ना, व्हेन कम्स टू बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स, इट्स सो ब्राइट. तो वो एक्सपीरियंस शेयर करो 17 साल की उम्र में, जब तुम स्टेज पे खड़े हुए हो, पोज कर रहे हो, नेचुरली तुमने तैयारी करी है. हाउ डिड इट फील, कैसी फील हो रही थी? सब बहुत ही बढ़िया था. एंड वन ऑफ दिस होस्टेस ऑफ दिस मसल मीनिया, मतलब जब मैं अपना बैक पोज कर रहा था, मतलब पोजिंग रूटीन शो कर रहा था, शी ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड मी. क्या बोला? वो बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हॉटनेस एंड क्यूटनेस. एंड द ऑडियंस वगैरह सब चीयर वगैरह करने लगी. एंड ऑल्सो जब मेरा प्राइज सेरेमनी थी, जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, सो मेरे को बैक स्टेज भी बोला था योर पोजिंग वॉज रियली नाइस एंड ऑल. तो पोजिंग की तैयारी कैसे करी थी तुमने? मतलब तुमने बॉडी बिल्डिंग कब शुरू करी पहले बताओ. सो अबाउट 3 इयर्स अगो. कितने साल के थे? 14 अराउंड 14. 14 साल के उम्र में तुमने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी. पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं? अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड? माई डैड ही इज़ एन एडवोकेट कंपनी में. अच्छा. एंड माई मॉम शी इज़ हाउस वाइफ समटाइम्स, मतलब थोड़ा सैलॉन वगैरह का काम. And मतलब my dad, he's a huge fan of Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. So मतलब वो चाहते थे कि मतलब हाँ जाओ जिम जाओ, अच्छा है, फिजीक बनाओ. बट उन्हें ये नहीं था कि थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली खटकता है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग एज एन प्रोफेशन थोड़ा सा है, मतलब हर कोई नहीं करता है. सो माई मॉम शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव, मतलब पूरी मॉम की साइड की फैमिली, मामा, नानी, मासी वगैरह बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव. मतलब इससे अच्छी फैमिली मैं मतलब पूछ नहीं सकता था. सपोर्टिव घर में, लाइक दैट यू डू. अच्छा तुषार, तो घर पे सपोर्टिव. तो 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, सीखा कहाँ से? मतलब कोई कोच था, ट्रेनर है तुम्हारा, कैसे? नो सर, मैं मतलब थोड़ा सेल्फ कोच ही था मैं. थोड़ा आस्ते आस्ते आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट. आई वॉच्ड मतलब यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखी मैंने, तो ऐसे आस्ते आस्ते नॉलेज आती गई. मैं पढ़ता गया बहुत सारे, मतलब थ्योरीज वगैरह, मतलब चीज़ें पढ़ता गया मैं. सो तुम 9th में थे तब? हाँ, 9th में. और अब तुम्हारे पास स्ट्रीम कौन सी, साइंस लिए, कॉमर्स, क्या? आई टुक ह्यूमैनिटीज. आर्ट्स? तो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में तो तुम भाई, यू हैव द टाइम, यू हैव द नॉलेज. मैंने भी ह्यूमैनिटीज ली थी, और इसके बाद ना इट अलाउज यू टाइम टू डू, तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ साथ. तो 9th में तुमने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, और 11th एंड में अपना तुमने कॉम्पिटिशन पहला खेला, राइट? तैयारी कैसे करिए? वॉट, तो मैं चाहता हूँ तुम इस वीडियो के थ्रू ना लड़कों को बताओ जो तुम्हारी एज के हैं, जो तुम्हारे से कभी सोचते हैं कि वो ज़्यादा छोटे हैं या ज़्यादा बड़े हैं, क्या क्या तुम्हारे की एरियाज थे, फोकस एरियाज थे तुम्हारी तैयारी करने के ऐसी बॉडी के लिए? सो
मेरे तो मैंने स्टार्ट ऑफ करा था कीटो डाइट से, तो क्योंकि थोड़ा मेरी बॉडी में मतलब थोड़ा अब्डोमिनल एरिया में थोड़ा ज़्यादा वाटर होल्ड करती है, तो मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे एक्चुअली 15-16 डेज में ही, देन मेरे को थोड़ा डायरिया हो गया था तो मतलब वही सारी मेहनत वेस्ट गई। फिर मैं यूजुअली वापस स्टार्ट ऑफ करा मैंने, पर फिर एक महीना बचा था कॉम्पिटिशन के लिए, तो बस वही था थोड़ा इंक्रीज्ड माई कार्डियो वगैरह एंड थोड़ा सा मतलब प्रोटीन इनटेक वगैरह वॉज अराउंड 200 ग्राम्स एंड ऑल्सो आई वॉज ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब कैलोरी डेफिसिट में यू कॉन्ट ग्रो, बट इफ़ द अमाउंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ कैलोरीज यू आर टेकिंग इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या कितनी कैलोरीज ले रहे थे तुम उस टाइम? माई बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मेंटेनेंस कैलोरी है इट वॉज अराउंड 1750। या तो फिर मैं उससे मतलब 200-250 डेफिसिट में ले रहा था, और मतलब जो अच्छा एक्चुअली मैंने एक वो पढ़ी थी, किताब पढ़ी थी, हाँ मतलब ऑनलाइन देखा था मैंने, मतलब रिसर्च थी वो कि मतलब ऑल्सो द वाइल यू बर्न फैट यू ऑल्सो हेल्प इन इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स। अगर आपका प्रोटीन इनटेक अगर एडिक्वेंट है, जो कि मेरा था, मतलब मैं 1 kg के हिसाब से 3 ग्राम खा रहा था विच इज़ अराउंड 200 ग्राम्स, तो हाँ मेरा मतलब कॉम्पिटिशन के टाइम पे भी मैं ग्रो कर रहा था। तुम 15-16 साल की उम्र में 200 ग्राम रोज़ का प्रोटीन खा रहे थे? हाँ, और कभी कभार मतलब जैसे कार्डियो करने के बाद बहुत भूख भी लगती थी, कभी कभार स्कूल थोड़ा कम जाता हूँ पर जाता हूँ तो मतलब भूख वगैरह लगती है, तो यूजुअली 2 प्रोटीन के वे प्रोटीन के स्कूप लेता, तो उसमें से मैं तुम प्रोटीन स्कूप लेके जाते हो? स्कूल नहीं, मतलब पहले ले लेता था, तो मतलब मैं जो सेकेंड स्कूप रहता था वो मैं पोस्ट वर्कआउट लेता था, तो मैंने वो माइनस कर दिया था जब मेरे को ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं फिर ज़्यादातर या तो एग से, प्रॉन से या फिर चिकन से लेता था। मुझे एक बात बताओ तुषार, तुम जो स्कूल जाते थे 10th में, ऑब्वियसली 10th करिए तुमने सब करा है, तो स्कूल में तुम प्रोटीन वे प्रोटीन लेके जा, पहला प्रोटीन शेक तुमने कब किस उम्र में लिया था? अभी लास्ट ईयर स्टार्ट करा था अप्रैल में, बट मैं हमेशा कभी मतलब एकदम रेगुलर नहीं लेता, मतलब हर मंथ लिया, एक मंथ छोड़ के एक मंथ लेता था, थोड़ा सा मतलब यू नो कॉस्टली तो होता ही है। तो कौन कौन से सप्लीमेंट तुमने अपनी प्रेप में लिए? वे आइसोलेट, क्रिएटिन एंड BCAAs, दैट्स इट। या 3 चीज़ें तुमने ली, और कभी तुम्हारे दिमाग में एनाबॉलिक्स का नहीं? बिकॉज मसल मेनिया में मैंने देखा कई लोग की फिजिक इतनी अच्छी होती है, तुम्हें भी लगता होगा यार इन्होंने लिए नेचुरल है नहीं, तुम्हारे में आता होगा ख्याल ऐसा? सर मेरा क्या था कि मतलब टीनेज है, मैंने इतना सोचा नहीं था कि कोई लेगा कि नहीं, बट मेरा था कि मतलब मैं जैसे भी कर रहा हूँ आई नीड टू पुश माई सेल्फ नेचुरली जहाँ तक पुश कर सकता हूँ, बिकॉज जेनेटिक पोटेंशियल पर भी रीच करना है जितना भी हो सकता है, और मेरे को फिर मैं ठीक है अपना बेस्ट करो बस, और क्या कर सकते हो आप। तो तुमने कितने दिन में कितनी ट्रेनिंग करते थे तुम रोज़ की, और क्या क्या स्प्लिट बॉडी पार्ट ट्रेनिंग स्प्लिट रहता था तुम्हारा? सर डबल बॉडी पार्ट रहता था, लाइक समटाइम्स बाइसेप्स के साथ बैक, फिर चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, फिर देन शोल्डर्स अलग से, या फिर उसके साथ या फिर लेग्स कर लिया मैंने, तो मतलब हर वीक में मैं हर बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट 2 बार कवर कर ही लेता था थ्रू द स्प्लिट। एंड हफ्ते में कितना ट्रेनिंग कर रहे थे, कितने दिन? 6 times 6 days ट्रेनिंग कर रहे थे, कार्डियो 7 times मतलब days. हाँ मतलब कार्डियो मेरा इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कार्डियो के लिए, क्योंकि मैं शाम को वॉलीबॉल भी खेलता था, तो माई मतलब मेरा क्या है कि मतलब जितनी कैलोरीज आप खाते हो, ज़्यादा भी खाओगे तो ज़्यादा बर्न करो आप, तो आप उससे गेन नहीं करोगे, तो मैं सुबह भी मतलब 20-25 मिनट साइकिलिंग करूँगा स्कूल जाने से पहले, फिर वापस आऊँगा अपना मील प्रेप करूँगा जो भी खाऊँगा, फिर स्कूल के लिए भी बनाया, एंड आई विल गो टू स्कूल। वेट अ सेक, तो मुझे अपनी रूटीन बताओ यार तुषार, ये तो बड़ा सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो स्कूल जो लड़के स्कूल जाते हैं उनको मम्मी कुछ भी बना के दे देती होंगी, राइट? मैंने कई मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं ऐसे, तो तुम्हारी प्रेप कैसे रहती है जब तुम स्कूल जाते हो, कैसे मुझे आई वॉन्ट टू नो, सबको बताओ। मैंने पहले भी बोला था मैं ज़्यादा स्कूल नहीं जाता, बट अगर जाता हूँ तो फिर मतलब कॉम्पिटिशन के टाइम पे तो मतलब साइकिलिंग करता हूँ मैं थोड़ा आउटडोर में, मतलब 20-25 मिनट स्कूल से पहले। हाँ थोड़ा सा BCAAs या तो मैं पी लूँगा या तो साथ में हाथ में लेके साइकिलिंग करो, एंड फिर उसके बाद घर आऊँगा। मैं डायरेक्टली कुछ मतलब जल्दी खाता नहीं हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा बाद खाता हूँ, उससे क्या रहता है कि आपका फैट बर्निंग मैक्सिमाइज हो जाता है थर्मोजेनेसिस मतलब। सो फिर मैं मील प्रेप करूँगा। मील में क्या होता है? फर्स्ट मील में मेरा यूजुअली ओट्स एंड वे प्रोटीन रहता था,
मतलब लोगों को ओट्स खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बेस्ट वे क्या निकाला है कि मैं अपने ओट्स मिक्सी में ब्लेंड कर देता था, एंड व्हेन यू ऐड वे प्रोटीन इन इट एंड मिक्स इट, वो पूरा एकदम घी के बैटर की तरह लगता है. इट्स लाइक ईटिंग समथिंग मतलब हेविली. सो एकदम ओट्स अगर थिक लगते हैं अगर आपको, तो एक रेसिपी हमें तुषार बता रहे हैं कि ओट्स को आप ब्लेंड कर लो, ब्लेंड के बाद आप निकालोगे वो बहुत पतला हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड के ऊपर आप तुम प्रोटीन डालोगे, थोड़ा सा पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके वो ईजिली अंदर चला जाता है, और यू कैन ऑल्सो ड्रिंक इट. सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं अपना मतलब मैं बहुत पतला था थोड़ा सा, तो मैं यही करता था कि मतलब ओट्स के साथ मैंने ओट्स ब्लेंड करे पहले, इसके अंदर आधा लीटर दूध डाला, 2-3 चम्मच पीनट बटर डाला, फिर हनी डाला, फिर फ्लेक सीड्स वगैरह डाले, जब मैं वे प्रोटीन नहीं यूज़ करता था. अभी भी यही रहता यूजुअली, पर इतने सारे पीनट बटर की स्कूप नहीं रहते. तो आप ऐसे कर सकते हो. वाओ, सो ब्यूटीफुल रेसिपी. सो गाइस, अगर आपको एक रेसिपी चाहिए, अगर आपको ओट्स के साथ प्रोटीन खाना है और आपको लगता है ओट्स आपसे हजम नहीं हो रहे, ओट्स को ब्लेंड करिए, उसके अंदर वे प्रोटीन डालिए, वे प्रोटीन डालने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून पीनट बटर भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ब्यूटीफुल रेसिपी. थोड़ी कैलोरी डेंस भी, एट द सेम टाइम इट्स गिविंग यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रोटीन एज वेल. फ्लेक सीड्स एक्चुअली मेरे से मतलब मेरे को मैसेजेस आते हैं बच्चों के, मतलब कुछ लोगों के, बच्चों के, तुम भी तो बच्चे ही हो मतलब मेरी एज टीनेज टीनेज वाले तो मुझसे पूछते यार मैं वेजिटेरियन हूँ तो फिश ऑयल मैं नहीं ले सकता, तो इज़ देयर एनी सब्स्टिट्यूट. हाँ है, आप फ्लेक सीड यूज़ करो, इट इज़ इवन बेटर दैन फिश ऑयल. उससे उसमें जो भी ओमेगा 3 है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फ्लेक सीड में उससे डबल है. और प्रोटीन तुम कैसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, मतलब तुमने कहा 200 ग्राम प्रोटीन, कैसे खाते थे, क्या खाते थे भाई, वो भी स्कूल में? सर मतलब सुबह ये प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन का स्कूप, एंड फिर सेकंड मील में मेरा रहता था स्पिनच पूरा होल, फिर उसके साथ 5x. मैं मतलब होल एग्स प्रेफर करता हूँ, इट इज़ वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते, तो 2-3 होल एग्स रहते ही रहते थे. तो उसके साथ फिर 4 एग वाइट्स हो गए, फिर उसके साथ थोड़े मशरूम्स वगैरह, एंड मैं मसाले वगैरह यूज़ करता हूँ. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ करना चाहिए, एंड सोडियम वगैरह भी मेरा नॉर्मल रहता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करता हूँ. सो ये मील 2 हो गया. फिर मेरा मील 3 होता था अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ चिकन, और मेरे मैं कार्ब साइक्लिंग करता हूँ तो उसके हिसाब से मतलब कितने ग्राम राइस लेना है वो हो जाएगा, एंड थोड़े ग्रीन वेजीज एंड ऑल. फिर जाओ जिम जाओ बढ़िया, फिर बढ़िया प्रोटीन शेक पियो. फिर घर आके वही 120 ग्राम्स ऑफ चिकन, और फिर जो नेक्स्ट मील रहेगा उसमें फिश या फिर प्रॉन्स वगैरह कुछ ना कुछ मतलब. वैसे पहले ये बता, तुमने कहा तो मैं स्कूल ज़्यादा नहीं जाता, क्यों नहीं जाता भाई तुम स्कूल ज़्यादा? सोना प्रेफर करता हूँ थोड़ा सोना वगैरह प्रेफर करता हूँ, थोड़ा मेरे को आदत है लेट सोने की. भाई ये बहुत गंदी आदत है तुषार भाई, स्कूल जाया करो. देखो स्कूल की जो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी यार, नाउ आई मिस माई स्कूल यार, कि मतलब तुम जाओगे तुम्हें लगता है ना ह्यूमैनिटीज में स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन चिल एंड यू नो, बट यू नो वट, यू मिस दैट टाइम कि मैं स्कूल नहीं जाता था ये वो. बट इमेजिन करो तुम्हारी जैसी फिजीक, तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी, यू शुड बी, कहते हैं ना तुम जितना ज़्यादा जाओगे ना लोगों के बीच में तुम ज़्यादा विजिबल होगे, तुम्हें लोग ज़्यादा जानेंगे, और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना तुम्हें फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे यू नो, देन यू कैन डू मोर फॉर देम, राइट? सो आजकल यूज द वर्ड, अभी तुमने बोला इन्फ्लुएंसर, सो इन्फ्लुएंसर छोड़ो, यू वांट टू ऐड वैल्यू, तो स्कूल जाया करो भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट, राइट? जाओगे अब से? बिल्कुल सर, अभी स्टार्ट कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम टेबल वगैरह ठीक करा मैंने. चलो दैट्स अ गुड थिंग. और कुछ टिप्स देना चाहोगे लड़कों को जो तुमसे कुछ इंस्पायर होना चाहें 17 साल की उम्र में? सर बस यही बोलूँगा कि अभी जो हमारी ये टीनेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये एज. आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि मतलब आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपके पास बहुत टाइम रहेगा. इवन दो आप अगर आप गलत चॉइस भी चूज़ करते हो, आप 21-22 की एज में जाके भी वापस अपने लिए कुछ और चूज़ कर सकते हो. सो आप ढूंढो अपना पैशन. मेरे लिए क्या है कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ फाइंड योर पैशन, व्हाट यू लव, यू फॉलो दैट एंड जस्ट कीप गोइंग. बिल्कुल सही बोला, मैं सिर्फ इस बात पे ऐड करूँगा, 17 साल के ना भी तुम अगले 10 साल कीप डूइंग थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, जो तुम्हें अच्छा लगता है, गलतियाँ करते रहो करते रहो करते रहो, अगर तुम्हें लगता है वो गलतियाँ, राइट? कीप डूइंग 100 थिंग्स. एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वर्ल्ड के, मार्क क्यूबन, जिनकी यू नो एक टीम भी है, बास्केटबॉल टीम, राइट? उनकी एक सेइंग है, मैं हर एक के साथ वो शेयर करता हूँ और वो मेरे लाइफ में अप्लाई करता हूँ मैं, तभी मैं हर चीज़ नई नई चीज़ें करता रहता हूँ, राइट? कि ना
तुम अगर 100 चीज़ें करोगे ना, अगर 99 गलत होगी, अगर 99 में आप फेल भी होगे, डजेंट मैटर, लेकिन जो वो 100 चीज़ सक्सेसफुल होगी ना जो तुम करोगे, वो 99 की गलतियों को बराबर कर देगी। तो तुम्हें वो 99 गलतियाँ करो, और हम तो क्या रोज़ गलती करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कई लोगों को नहीं पता, जैसे 17 साल की उम्र में कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, इतना पैशनेट और इतना फोकस्ड नहीं होता, राइट, इट्स अ फैक्ट, मेरे को भी काफ़ी देर बाद समझ आई, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका पैशन नहीं है, गाइस तो चीज़ें करो, करते रहो, इवेंचुअली इट विल हिट यू। जब तक करोगे नहीं पता कैसे लगेगा यार वो तुम्हारा पैशन है नहीं है। लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है, बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, मेरे पास पैसे नहीं है। बिना पैसों की भी बॉडी बिल्डिंग होती है यार, अगर आपको मैं बता रहा हूँ, पैसों से कभी किसी का काम नहीं रहा। राहुल आए थे मेरे पास, राहुल फिटनेस, राइट, राहुल फिटनेस की जो है वो, राइट, वो ऑटो चलाते थे यार, और उनकी फिजिक देखिए, जब वन ऑफ द टॉप फिजिक्स इन द कंट्री राइट ना, वो उन्होंने ऐसे भी तो शुरू करा। तो कई आपको ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, और टी जी टॉक्स की बुनियाद ही ये है। मैं जब आपको ऐसे लड़कों से मिलाता हूँ, तुषार जैसे, जो सिर्फ आपको इंस्पायर कर रहे हैं, दे जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यार अपने पैशन को छोड़ो मत। सो आई एम ग्लैड तुमने शेयर करा, और जाते जाते आई एम गिविंग यू माई बुक। सो गाइस, दिस इज़ अ बुक, हाउ आई फिक्स माई चेस्ट फैट। आई एम गिविंग यू माई साइंड कॉपी हमारे तुषार भाई को। आई एम श्योर ये तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट हैज़ अ 90-day ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल। तुमने कहा तुम पढ़ते बहुत हो, सब कुछ करते हो, तो मेरी भी लाइफ की, मेरे के अंदर भी बहुत, आई हैव रेड अ लॉट, कई चीज़ें अपने पे ट्राई करी हैं, कई चीज़ें करी हैं, और उसके बाद आई हैव अराइव्ड एट दिस। सो एक्चुअली तीन बुक्स आ रही हैं मेरी। सो वन इज़ चेस्ट फैट, द अदर वन इज़ 90 days एब्स, एंड थर्ड वन इज़ हाउ आई लूज 15 kg, हाउ आई लॉस 15 kgs इन 3 months. ये हाउ आई सीरीज है मेरी, हाउ आई फिक्स माई चेस्ट फैट, हाउ आई गॉट माई एब्स इन 90 days, एंड हाउ आई लॉस्ट 15 kgs इन 3 months. सो आई एम श्योर इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प एंड एड वैल्यू टू एज मेनी पीपल एज आई कैन। सो थैंक यू सो मच भाई। तुषार भाई अभी भी नर्वस है, बट दैट्स ओके, अभी भी हाथ पूरे गिले हैं बिकॉज इज नर्वस। सो अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।